नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं सोमेश कुमार सिंह। सबसे पहले आप सभी माता रानी के भक्तों को ATN लाइव चैनल के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं सिवान के सब्जी मंडी में, यानी कि आखाड़ा नंबर 5 का ये जो इलाका है वहां हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इस दशहरा को लेकर के किस तरह से भव्य तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और भव्य जो सजावट हुआ है वो नज़ारा आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि कैसे जो भक्त हैं वो आ जा रहे हैं और यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो भी लगा हुआ है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब्जी मंडी यानी सरदानंद बाज़ार का जो पूजा है दशहरा में, ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ की सजावट जो है ये पूरे सिवान ज़िले में सबसे भिन्न है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की सजावट की गई है। और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा उधर भी चले और वहाँ दिखाएं जहाँ माता रानी का दरबार भी लगा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं पर हैं। अच्छा, आप यहीं के हैं। तो ऐसे में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है वहाँ पर, तो और जगह से यहाँ पर क्या खास होता है? बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और जगह से बहुत बढ़िया जगह है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो यही तो आप देख सकते हैं कि और जगह से ये बढ़िया है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ और लोग इनसे बातें करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे आप भी पहुँचे हुए हैं और भव्य जिस तरह से भव्य सजावट किया गया है, इसमें आप क्या कहेंगे? बढ़िया है सब, कुछ है जितना में है उतना में अच्छे है। आप कई कहाँ से आप आए हैं पहले ये बताइए? मैं है नदी ऊपर से। आपने कई जगह घूमा होगा लेकिन यहाँ पे आप जब आए हैं तो यहाँ पे क्या खास दिखा, क्या अलग दिखा आपको? अलग तो कुछ नहीं दिखाया गया, सब ठीक है, सब बढ़िया है। अपना नाम बताओ। विनय सिंह। तो ये है विनय सिंह। आपने देखा ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम टाड़वा से आए हैं। आप टाड़वा से आए हुए हैं, कई जगहों पे घूमे हैं आप, यहाँ पे सरदानंद बाज़ार यानी सब्जी मंडी में अखाड़ा नंबर 5 के जो पंडाल है वहाँ पे हैं, क्या भिन्न दिख रहा है आपको? अलग, बहुत अलग दिख रहा है, पहले से बहुत अलग दिख रहा है। अन्य जगह जो घूमे हैं उससे यहाँ पे आप आए हैं, कुछ अंतर दिखा आपको? हाँ, अंतर तो दिखा। क्या अंतर? पहले इस तरह का पहले रोड भी यहाँ का कुछ खराब दिख रहा था, अब अच्छा हो गया इधर। नाम बताइए। उत्तम कुमार। ये गौतम कुमार है। ऐसे ही कई लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या अलग यहाँ पे इस बार दिख रहा है? हम तमकी रोड के रहने वाले हैं। यहाँ के सजावट जो है देख कर हमको गर्व है कि सिवान के लिए जो है बहुत अच्छा सजावट हुआ है। तो आप सिवान में कई जगहों पर घूमे होंगे, वैसे में आप यहाँ जब पहुँचे हैं तो ये जो सजावट दिख रहा है ऐसा और जगह? नहीं, पूरे सिवान में इतने लंबा सजावट कहीं पर नहीं है। ये जो सजावट हम देखे हैं इतना काफ़ी लंबा सजावट पूरे सिवान में नहीं। सजावट देखकर खुशी है, कमेटी वाले लोग इस तरह से इससे और अब जो है रूप जो है दें अगले साल ताकि यहाँ का नाम। अपना परिचय बताओ। हमारा परिचय है ललन जी वर्मा, तमकुही रोड के रहने वाले। तो ये तमकुही रोड के रहने वाले ललन जी वर्मा है, ये भी सिवान पहुँचे हुए हैं इस पूजा में। तो आप जाहिर तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रसिद्ध है। और हम चलेंगे अपने कैमरामैन से कहेंगे कि चले हमारे साथ और वो दृश्य दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी कर दी गई है और यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की जो अनहोनी हो वो ना हो और किसी भी प्रकार की जो घटना है वो ना घटे। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी माता रानी का पूजन चलने वाला है, वो अपने कैमरामैन से कहेंगे को माता रानी को दिखाएं कि किस तरह से माँ का दरबार सजा हुआ है और माँ पहुँची हुई हैं और इसके साथ ही कई सारे भक्तगण हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इनसे बातें करेंगे कि ये लोग जो पूजा में पहुँचे हुए हैं ये क्या इस बार खास है, इनसे हम बात करेंगे। इस पूजा को लेकर के आप बहुत अच्छी सजावट की गई है, तो ऐसे में क्या खास है इस बार? आज अष्टमी के दिन सरदानंद बाज़ार की तरफ से कन्या पूजा किया जाता है।
ये परंपरा विगत कई सालों से चली आ रही है, इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम लोग यहाँ कन्या का पूजन कर रहे हैं और कन्या की पूजा भी यहाँ सामने होगी जिसको दर्शक देखेंगे। तो देखा आपने कन्या की पूजा होगी यहाँ पे अभी सामने और कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आप भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कन्या जो है ये 2 से ज़्यादा और लगभग 8 साल 10 साल के एज के वो कन्याएं हैं वो भी बैठी हुई हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी हैं कन्याएं हैं वो बैठी हुई, उनका पूजन होगा, विधिवत पूजन होगा और कुंवारी जो भोज होता है वो कराया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और समिति के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए इस बार क्या खास है? इस बार खास यही है, माता जी का पंडाल भव्य है, सजावट भव्य है और मैं सारे सिवान वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनकी आशीर्वाद परंपरा बना रहे मेरे ऊपर, मैं यही कहना चाहूँगा। कुंवारी का पूजन होगा यहाँ पे। तो आपने सुना कि यहाँ पर कई तरह से यानी कि अन्य जगहों से काफ़ी भिन्न है यह श्रद्धानंद बाजार का पूजा। अब एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से माता रानी को दिखाएं कि किस तरह से माँ का दरबार सजा हुआ है और जो भक्त हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे एक और ख़ास बात कि जो भी है सब बढ़िया से यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्या पूजन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, कन्याएं बैठी हुई हैं और एक एक करके सभी कन्याओं का पूजन किया जाएगा, फिर कन्या भोज कराया जाएगा और उसके बाद जो विधिवत पूजा होती है वो की जाएगी। और ऐसे में भक्तों का जो तांता है वो भी लगातार लगा हुआ है। हम आपको सीधी तस्वीरें एटीएन लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धानंद बाज़ार में अखाड़ा नंबर 5 वाले में कैसे माँ की पूजा हो रही है और किस तरह से दरबार सजा हुआ है। तो ऐसे ही हम आपको अन्य जगहों की जो सिवान के अन्य जो प्रमुख पंडाल हैं पूजा है वहाँ के हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, एक एक अपडेट आपको लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एटीएन लाइव। हमारे सहयोगी पवन के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।